सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी सी एक नई जगह है जो नाहन के पास ही पड़ती है, हिमाचल में ही है। और ये पड़ता है, इसका नाम है सरहां। लगभग 35 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन मुझे जाना है घूम के दूसरे रास्ते से। पहले मुझे काम है, एक गाँव है उसमें, देन वहाँ से दूसरा शॉर्टकट कोई है वो पकड़ूँगा। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आइकन में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा पुरानी वीडियो के सारे लिंक। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालता रहता हूँ, प्लस एंड में, एंड कार्ड में जो भी है वो भी मैं डाल देता हूँ। जिन्होंने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो। थोड़ा सा गर्मी है इधर, और ये देखिए पीछे क्या लोकेशन है, बड़ा मस्त व्यू है एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं जा रहा हूँ ये सरहां, एक जगह पड़ती है वहाँ पे। और अभी मैं निकला हूँ, एक गांव है कोला वाला भूड़, वहाँ से मुझे सरहां जाना है। लगभग 32 किलोमीटर है, एक घंटा मान के चल दो। अभी यहाँ से कौन सा रोड जाना है मैंने ये नहीं पता, तो मैंने अभी रास्ता चेक किया क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था ऊपर जाना है या नीचे। इधर से फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ एक्चुअली, यूजुअली दूसरे रास्ते से जाता था। और ये नया रोड बना हुआ है कुछ बिल्कुल। तो आज दिखाता हूँ सरहां, ठंडी जगह है, अच्छी जगह है। उससे आगे फिर सोलन पड़ता है, सोलन से आगे शिमला, उसी रोड पे पड़ता है वो बीच में। और ब्रेक वगैरह गाड़ी के अभी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए मैंने चेंज कराए थे तो वो काम एटलीस्ट हो गया। क्योंकि पहाड़ों में मेन मुझे ब्रेक ही चाहिए होते हैं, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम दिक्कत हो सकती है। इस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा है जहाँ पे मैं अभी हूँ, तो यहाँ पे मैं एसी के साथ ही गाड़ी चला रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं हो रही। सिंगल हूँ बट चार जनों के साथ में दिक्कत हो जाती है, फिर उसके बाद गाड़ी थोड़ा सा लोड बांधती है। सिंगल पे क्या है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो रास्ता अभी आ गया है टूटा हुआ, रोड पीछे तक बना हुआ है आधा, और आधा बना हुआ नहीं है इस रोड पर। मुझे अभी तक जो है बेस्ट कार लगती है नैनो पहाड़ों के लिए, और स्पेशली पहाड़ों में इन रफ रोड्स पे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा परफॉर्मेंस जो मुझे लगता है। प्राइस रेंज में, माइलेज में, हर चीज़ में मुझे कंफर्टेबल लगी है। अभी पीछे रोड का काम चल रहा था और वहाँ से आगे सिचुएशन और भी बुरी हो गई है, पूरे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं रोड पर। मुझे नहीं लगता है ऐसे टफ रोड पे भी गाड़ी को चलाना चाहिए, लेकिन क्या करें, चलानी पड़ती है कई बार जब रास्ता नहीं बचता कुछ और, तो यहाँ से निकालना पड़ता है। यहाँ से दिख नहीं रहा कुछ भी आपको, बाहर से दिखाता हूँ। You hit the road, but you don't realize. Finally, अच्छे रोड पे पहुंच गया हूँ। यह है जो शिमला वाला रोड जाता है नाहन से, चौड़ा रोड है, अच्छा है, पहाड़ों के हिसाब से बहुत अच्छा रोड है बना हुआ। और काफ़ी टूटा हुआ रोड था पीछे, तो वहाँ पर कैमरा हिल रहा था इसलिए पूरी वीडियो नहीं बना पाया मैंने बीच में ही, फिर क्योंकि बार बार हिल रहा था और रोड पे फोकस नहीं हो पा रहा था, ड्राइविंग पे फोकस नहीं हो रहा था। बाकी ठंडी हवा आ गई है बिल्कुल, एसी बंद कर दिया है, एसी की ज़रूरत ही नहीं है इधर।
चीज जरूरत पड़ती है जितनी भी पड़ती है लोकल में, या फिर नीचे पहाड़ से नीचे जब हम जाते हैं तो लाइक कालाम कोला वाला भूड इधर की तरफ जहाँ प्लेन है थोड़ा, तो वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो एंजॉय करते हैं, सराह पहुँच के भी देखते हैं क्या क्या वहाँ पे है। वहाँ से वहाँ पे और भी ठंडा रहता है, और यहाँ से केवल 9 या 10 किलोमीटर यहाँ से बचा है। एक पॉन्ड टाइप बना हुआ है बीच में सराह के, चारों तरफ मार्केट है। पीछे की तरफ से सराह, सामने पहाड़, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। छोटा सा कस्बा है, छोटा सा कस्बा टाइप है, मस्त जगह है थोड़ी घूमने के हिसाब से। ठंडा है अभी भी यहाँ पे, ठंडी हवा है एकदम, जो सामने पहाड़ है इधर से बिल्कुल ठंडी हवा आती है, और जाड़ों में ये पूरे बर्फ़ से ढक जाते हैं इधर। यहाँ पे भी स्नोफॉल होती है वैसे, पर कम होती है। ये चढ़ गए हैं हाईवे पे बाईपास की तरफ से, नाउ बैक टू नहान। ये जाने वाला रोड रहेगा थोड़ा अच्छा रहेगा, गर्मी है थोड़ा धूप है इस टाइम पे, लेकिन हवा ठंडी है। बस मेन चीज ये है कि यहाँ पे हवा ठंडी रहती है, सर्दियों में तो ज़्यादा ही ठंडी रहती है। ये आगे आएगा बस स्टैंड, देन बस स्टैंड से फिर सीधे आगे निकल जाना है। बस स्टैंड टैक्सी स्टैंड सब कुछ एक ही जगह है। क्या मस्त है यहाँ पे ड्राइव करने में, मज़ा आता है पूरा। रोड अच्छा हो पहाड़ों में, ऐसा रोड हो तो ड्राइव करने में मज़ा आता है। एक बार इधर जाओ एक बार इधर जाओ। और रास्ता भी जल्दी कवर हो जाता है। चलो एंजॉय करेंगे फुल रास्ता, बीच बीच में मस्ती करते रहेंगे जो टाइम मिलेगा, जहाँ पे गाड़ी रोकेंगे। और अभी मुझे लगी है थोड़ी सी प्यास, कहीं पे पीना है पानी, पहाड़ों का पानी बहुत अच्छा होता है, कहीं मिले एटलीस्ट वहीं पे पियेंगे। तो फुल एंजॉय आ रहा है, और जितने नीचे होते हैं उतना गर्मी लगती है। अभी यहाँ पे एकदम ठंडी हवा लग रही है, शीशे खोल के गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है पहाड़ों के अंदर। हाँ लेकिन अगर ठंड हो दिसंबर या जनवरी में शीशे नहीं खोल सकते हैं, इतनी ठंड होती है। और बाकी अच्छा टूर है, ऐसे छोटे छोटे टूर में बनाता रहता हूँ, जहाँ पे एक बार चला जाता हूँ वो दोबारा मैं दिखाता नहीं हूँ, वीडियो में जाना पड़ता रहता है क्योंकि वहाँ पे भी काम तो करने ही है। मेन चीज़ है हाईवे अच्छा है। तो चलो एंजॉय करते हैं पूरा रास्ता,
आप भी इंजॉय करो और मैं भी थोड़ा ड्राइविंग करता हूँ, फास्ट, थोड़ा तेज चलना है। यहाँ पे 50-60 आराम से स्पीड है इस हाईवे पे। तो अभी थक गए हैं सुबह से, काफ़ी सुबह के निकले हुए, और ये है बेस्ट प्लेस स्टे करने के लिए। रात को तो नहीं खैर, पर दिन में आप आराम से 1 घंटा सो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, फुल मज़ा आएगा। और ये आगे एकदम खाई नीचे, तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी कुछ नई नई चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो थोड़ा थक गया था, सोचा कि आराम करूँ। चलो सामने से एक बार आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये हैं पेड़ चारों तरफ ग्रीनरी, और उधर कार पार्क कर दी अपनी, और ये देखिए यहाँ पे पेड़ पे कुछ कीप टाइप का लगा हुआ है। ये जो ऊपर से इसका कुछ निकलता है पेड़ से छील देते हैं, उसको ये इकट्ठा करते हैं इसके अंदर, और इससे शायद कुछ बनाते होंगे, कहीं पे यूज़ करते होंगे। बढ़िया आइडिया है। ये देखिए यहाँ से, वाओ। और ये यहाँ से नीचे है काफ़ी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना, और लंबी वीडियो में फिर क्या होता है, बोर हो जाता है कई बार आदमी, इसमें भी वैसे काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे बंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, क्या करना है आपने, एक काम सिर्फ जो मैं बोलता हूँ आपको, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करने हैं वीडियो पे, और वीडियो को लाइक करना है, तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं आगे और ट्राई करता हूँ अच्छी वीडियो बनाऊँ। अभी उतने अच्छे लेवल पर मैं नहीं बना पाता हूँ वीडियो, क्योंकि एक तो मैं अकेला ही ड्राइव करता हूँ, दूसरा कैमरा वगैरह मेरे पास इतने अच्छे नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं है, मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाता हूँ और उसी से एडिट करता हूँ, सब काम फ़ोन से ही कर देता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।